साथ ही अपने परिवार के साथ, हथनी के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सुंदर वन में आया है जहां सुंदर सुंदर लता पताएं सुशोभित हो रही हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं, महक रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, तालाब में नीले कमल के फूल खिले हैं, झरने गीत गा रहे हैं, सुंदर वन उपवन है, अति सुंदर। उस स्थान पर एक गजेंद्र हाथी अपने हथनी पत्नी और अपने 8-10 बच्चों के साथ उस तालाब में स्नान करने आया जहां देव कन्याएं आती हैं स्नान करने, उस सुंदर स्थान में देवता लोग स्नान करके जाते हैं। आज यहां ये हाथी स्नान कर रहा है और स्नान करते करते अपने बच्चों के साथ उमंद हो रहा है, अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है कि मैं हूं हाथी, मैं बलशाली हूं, और उमंद में अपनी पत्नी अपने बच्चों को पे वो जलकर छिड़काव कर रहा है। उस तालाब में एक ग्राह भी है जो मगर बना, उसे गुस्सा आ गया, ये अपने आप को इतना बलशाली, मैं इससे ज्यादा बलशाली हूं। वो मगर जो है हाथी के पैर को जकड़ के पकड़ लिया और पकड़ लिया, अब छोड़ ही नहीं रहा। गजेंद्र हाथी जो है कितना कोशिश कर रहा अपने बल का, क्योंकि बलशाली है, हाथी तो बलशाली है ही, और ये जो ग्राह है मगर, ये खुद अपने आप में उसको गुस्सा आ गया कि ये मेरा तालाब है, तालाब में ये अपने गर्व को दिखला रहा है, तो मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचतानी हो रही है, ना वो छोड़ता ना वो छोड़ता, लेकिन ग्राह जो मगर बना है वो अकेला है। और हाथी, यहां भगवान क्या बता रहे हैं हमें, क्या संदेश दे रहे हैं, ये कथा क्या संदेश दे रही है, देखिए। हथनी ने देखा मेरा पति गजेंद्र, पहले तो खूब कूद फांद मचाई, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, साल दो साल बीतने लगे, अब हथनी सोचे कि अब लगता छूटेगा ही नहीं। कई हजार लड़ते लड़ते, कई हजार वर्ष जब बीत गए तो हथनी भी खींच, हथनी हाथी को पकड़ी है और हथनी के पैर को उसके बच्चे पकड़े हैं, माने चैनल हो गए एक दूसरे को। अब कई हजारों वर्ष जब बीत गए तो पहले तो बच्चे भाग गए कि अब मेरे पिता लगता मर जाएंगे, अब छोड़ो जान बचाओ भागो, बच्चे छोड़ दिए। पत्नी सोची कि बच्चे तो हमेशा नादान होते हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी अपने पति को। फिर 10,000 साल बीते, आज पत्नी वही लगता है ये मर जाएगा, अब अपनी जान बचाओ, मेरा बच्चा कहां भूखा तड़प रहा, अब छोड़ो। हथनी जो थी हाथी को छोड़ दिया, अब हाथी अकेला मगर अकेला, हाथी का जो बल था अब वो धीरे धीरे धराशाही होने लगा, दुखी होने लगा, शक्तिहीन होने लगा, अब कोई शक्ति बची नहीं कि अपने आपको बचा सके। तब उसे याद आया श्री हरि, हरि को याद किया और सोचा कि सही में दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बच्चे छोड़ के चले गए, पत्नी जिसके लिए मैं सुंदर सुंदर घास लाया करता था, खिलाता था, जो मांगती थी मैं देता था, वो पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, आज मैं अकेला हो गया, मुझे उस हरि को याद करना चाहिए जिस हरि ने मुझे भेजा है। और आज वो गजेंद्र हाथी अब रोने लगा और क्या गाने लगा, चलिए हम लोग भी भगवान को याद करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि
तरीका जानो, कौन कहते भगवान खाते नहीं, आप खिलाने का तरीका जानो। आज गजेंद्र हाथी ने हरि शरणम किया, बैकुंठ में आवाज गई, प्रभु ने दो बार शीघ्रता पूर्वक अपने भक्तों को बचाया। एक जब ध्रुव ने बुलाया था हरि शरणम, उस वक्त गरुड़ पर सवार होके आए थे, और आज प्रभु फिर गरुड़ पर सवार होकर चक्र गदा परम सुंदर सा शरीर पीताम्बर धारी वेग से आते हैं, और चक्र को आते साथ ही गजेंद्र के और जो ग्राह था उसके बीच को काट देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो चक्र काटते ही फूलों की वर्षा होती है, और जो हाथी है और गजेंद्र है दोनों एक दूसरे से छूट जाते हैं।
उस वक्त गजेंद्र हाथी ने क्या किया, तुरंत ही प्रभु के चरणों में क्या दे, तुरंत एक सुंदर सा कमल उठाया तालाब से और प्रभु के चरणों में डाल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जैसे ही फूल दिया प्रभु को, प्रभु मुस्कुराते हुए उस फूल को ले लिया, क्योंकि फूल उन्हें पसंद है, लक्ष्मी मैया का निवास है उसमें। इस प्रकार प्रभु ने गजेंद्र और ग्राह को तारा, क्यों तारा, पूर्व जन्म में वो जो गजेंद्र था ना, वो एक गंधर्व था, इस जन्म में हाथी बना, पूर्व जन्म में एक वो गंधर्व था जिसका नाम था हू। ऋषि के श्राप के कारण अगले जन्म में वो बन गया था हाथी, और ग्राह जो है वो भी श्रापित था, क्योंकि राजा, देखिए इंद्र जो है हमेशा घमंडी है, और इंद्र को जब जब घमंड हुआ, भगवान कन्हैया ही उसे उस जगह से घमंड को तोड़ा है। जब गोवर्धन की कथा आएगी उस ओर जब हम जाएंगे, तो ये जो ग्राह था और गजेंद्र था पूर्व जन्म में, ये गंधर्व था, और संत को देखकर प्रणाम नहीं किया था, झुका नहीं था, क्योंकि हम एक राजा हैं, तो श्रापित हुआ। तो भगवान इस जन्म में उसके घमंड को तोड़ने के लिए ये व्यवस्था की। तो हम जो भी करते हैं ईश्वर के इशारे पे करते हैं, उनकी कृपा से ही हम अच्छे कार्य कर पाते हैं। हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है, नहीं, ईश्वर कभी गलत कार्य करने के लिए नहीं कहते। हम भगवान को अपने आड़ लेके भगवान पे सौंप देते हैं कि ईश्वर के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, गलत कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उनकी मर्जी से, लेकिन गलत कार्य कभी भी ईश्वर नहीं सिखाते। अभी हमारी माताएं कुछ जा रही हैं, जरूर बैठे, अभी 52 अवतार की झांकी होगी, उस प्रसंग में हम लोग जा रहे हैं, और झांकी के बाद आरती होगी। राजा बलि जो है नर्मदा नदी के तट पे अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी में है। एक समय ऐसा भी आया, देखिए कोई संत अगर ये कहते हैं कि मैंने पूरी भागवत कह डाली, तो भागवत कोई संत ही कर ही नहीं सकता पूरा। भागवत अपने आप में ऐसा समुद्र, ऐसी गहराई है कि कुछ ना कुछ आप छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है आपको। ये जितना आप गहराई में जाते जाओगे, आप उतने ही गोता लगाते जाओगे। और 7 दिन में कथा करना बड़ी कठिन बात है। तो एक समय ऐसा आया था कि देवता लोग कमजोर हो गए थे, क्योंकि बलि जो है उस वक्त राक्षसों का साम्राज्य था, राक्षस लोग तप बड़ी करते थे, और तप करके कभी कुछ मांग लेते, कभी कुछ मांग लेते। तो ये जो राजा बलि है, ये बलशाली है, और देवता लोग जो हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो ताकत है वो सब राक्षसों के, दैत्यों के पास में है। यज्ञ हवन, राक्षस का मतलब कोई अलग सिंह नहीं होता, राक्षसी बुद्धि होना, प्रवृत्ति होना,
देवी प्रवृत्ति। तो नर्मदा नदी के किनारे ये यज्ञ की तैयारी हो रही है और आज प्रभु ने कुछ लीला करने की सोच रखी है। कुछ लीला करनी है, कैसे देवताओं को मजबूत बनाना है, कैसे सारा राजपाट उनसे लेना है, क्योंकि विष्णु जो है ना ये हमेशा कहते हैं ना हमारे ठाकुर जी का तो सबसे पहले इनकी चाल टेढ़ी है। अब देखिए ना राम जी हमारे सीधे साधे हैं, खड़े रहते हैं, सीधे हैं एकदम राम जी, और उल्टा कृष्ण जी टेढ़े हैं, इनका पैर टेढ़ा, इनके खड़े होने का तरीका टेढ़ा, इनकी आंखें टेढ़ी, इनकी चाल टेढ़ी, ये बांसुरी बजाते टेढ़े होके, तो टेढ़ा काम बहुत करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीलाधारी है हमारे प्रभु। तो राजा बलि के यज्ञशाला में आज प्रभु 52 का रूप धारण किए हैं, छोटे से संत बने हैं। इस कथा के बाद आप 52 भगवान का दर्शन करेंगे झांकी का। और मैं बता दूं ये 52 अवतार के दिन जो गुप्त दान करते हैं जो माता है। कहते हैं भगवान ने सब कुछ बलि का ले लिया था, लेकिन सब कुछ लेके बलि के पहरेदार नौकर भी बन गए थे वो। तो आज का दान सैकड़ों गुना बढ़ जाता है जो गुप्त दान कहते हैं। आप जो दे रहे हो कोई देखे ना, बंद मुट्ठी में करके या कोई लिफाफे में करके आप 52 अवतार के झोली में डालेंगे मन में अच्छी भावना लेके, कई गुना बढ़ता है। संतों का कहना है, ग्रंथ कहता है, ये चीज गुप्त दान का विशेष महत्व ही है। तो बलि ये यज्ञशाला में है, छोटे से संत है, सन्यासी गेरुआ वस्त्र, हाथ में एक कमंडल और झोली है, एक छाता है, खड़ाऊ है, और पहुंच गए यज्ञशाला में। यहां बलि के यज्ञशाला में जब पहुंचते हैं तो इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो भी वहीं बैठे हैं। कहते हैं सुना है कि आप दान देने में आपका कृति बढ़ रहा है। 52 भगवान जो कृष्ण है, जो विष्णु है, जो रूप बदल के आए हैं। तो बलि कभी मैंने बहुत दान करते थे, उनकी कृति बहुत थी, उनके पास इतना था ही दान करने के लिए। तो कहते हैं कि आज मैं भी आपके पास आया हूं, कुछ दान चाहता हूं। तो बोले आप तो छोटे से संत हो, क्या चाहिए, छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से हो आप, बोलिए क्या चाहिए, जो कहेंगे आपको मिल जाएगा। बोले नहीं, पहले आप संकल्प करो जल लेकर कि जो मैं मांगूंगा वो आप सहर्ष दान कर दोगे, दे दोगे। शुक्राचार्य जी वही उनके गुरु हैं, बैठे हैं, उनके मन में ये बात, चूंकि वो ज्ञानी संत हैं उतने बड़े, उनके मन में उन्होंने आंखें बंद की, समझ गए ये तो विष्णु है, छलिया, इसे छल करने आया है, इसकी संपत्ति को ले जाने आया है। कहते हैं सुनो, ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। आप हाथ में जल लेके संकल्प कर रहे हो, सोच लो आप बलि जी। बलि कहते हैं कि साधारण बालक नहीं तो कौन है, ये विष्णु है। बलि कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे पे परमपिता जगदीश भिक्षा मांगने आया है, तो ऐसा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता।
कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं संकल्प कर रहा हूं मैं दूंगा ही। ठीक है, सोच लो, मैं बता दिया, इशारा कर दिया। प्रभु कहते हैं, बावन भगवान कहते हैं कि सुनो, मुझे सिर्फ तीन पग चाहिए, मेरे छोटे छोटे पांव हैं, मैं तीन पग क्या, तीन स्थान मांग लो, किस भूलोक देवलोक जो भी मांग लो, तीन स्थान में दे सकता हूं, मैं तो अधिपति हूं, मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तीन पग चाहिए। ठीक है, तीन पग, जैसे भगवान ने तीन पग लेना चाहा, त्रिकाल रूप, बड़ा रूप, बावन भगवान का रूप बनने लगा, और एक पग में भगवान ने पृथ्वी को नाप ली, दूसरे से शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया, दूसरे पग मतलब एक जब शरीर बनने लगा तो शरीर का रूप बनने लग गया ना, दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग को नाप लिया, और तीसरे पग महालोक जनलोक और तपलोक की ओर बढ़ने लग गया। कहां रखे पैर बताओ, जगह कहां है? तब बलि ने कहा, प्रभु आपका ये स्वरूप मुझे सौभाग्य से मिला देखने, एक छोटे से बावन थे, आज इतने बड़े रूप में आपको मैं देख रहा हूं, ये सौभाग्यशाली हूं मैं, अब इस चरण को मेरे मस्तक पर रख दो प्रभु कि मैं धन्य हो जाऊं। बोली बावन भगवान की, बिंदावन बिंदावन बिहारी लाल की, जरा जयकारा लगाए करो, कथा में ध्यान हो जाता है इसका। एक बार आप प्रेम से जयकारा लगाइए, बोली बृंदावन बिहारी लाल की। और लीला ऐसी है कि प्रभु उनके चरण, अपने चरण रखे हुए बलि के मस्तक पे, अब सब कुछ ईश्वर का हो गया। आइए झांकी का भी दर्शन करेंगे हम, तो भगवान जिसके दरवाजे पे खड़े हो जाएं, क्या कहना। तो इस दान का बहुत महत्व है, और भगवान कह रहे हैं, अरे बलि तू धन्य हो गया, तू धन्य हो गया जिसके पास भगवान को आना पड़ा, तू तो धन्य है ही, मैं भी ऐसा भाग्यशाली हूं कि ऐसा मुझे भक्त मिला जो एक बार कहने से तुरंत तैयार हो गया। भगवान भी हर कार्य के लिए सुनिश्चित करते हैं कि ये कौन कार्य कर सकता है, सब भगवान के आदेश में होता है। आइए भजन सुनते हैं।